हम बात कर रहे हैं नाइका की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें 3% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 200 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं स्टॉक में जंप आया, 196 के लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिली, 187 के लेवल से बाउंस बैक हुआ लेकिन अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन हमको वहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त स्टॉक गिरावट दिखा रहा है तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना है। अब अगर सपोर्ट को डिस्कस करें तो इमीडिएट सपोर्ट बनने वाला है 184 का लेवल, और तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है 180 का लेवल, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। हम देख सकते हैं 180 के लेवल से हमको स्टॉक ने बार बार रिजेक्शन दिखाया था और उसी लेवल से फिर हमको बाइंग भी देखने के लिए मिली थी। रिजेक्शन के बाद एक बड़ा कैंडल देखने के लिए मिला था 180 के लेवल से। ये तगड़े और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस गिरावट के साथ 180 के लेवल को भी ब्रेकडाउन कर गया तो वैसे कंडीशन में हमको और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, फिर हमको 170 तक का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नाइका में आना मुश्किल नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है 180 के लेवल से हमको बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है 180 के लेवल से, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करना है। स्टॉक गिरावट में स्टॉक को सस्टेन होने देना है या फिर स्टॉक के इस ब्रेकआउट पर 196 के ब्रेकआउट पर हम पोजीशन बना सकते हैं सेफ ट्रेड के लिए। 180 के लेवल से स्टॉक अगर बाउंस बैक कर जाता है तो वैसे कंडीशन में इसका इमीडिएट टारगेट बनने वाला है ये जो आया है इसका 196 का लेवल, और 196 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 200 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 200 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो हमको 220 तक के टारगेट नाइका में शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।